इस चैनल पर मैं फिल्म लाइन में काम से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाकर आप लोगों को देते रहता हूँ। आपको एक्टर बनना है, ऑडिशन की जानकारी कहाँ मिलेगी? आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा काम करके नाम, पैसा, शोहरत सब कमाना है, वो कौन बताएगा? आखिर असली नकली कार कौन से होते हैं? ये सब की जानकारी वाली वीडियो मैं इस चैनल पर बनाकर देते रहता हूँ। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नए और हमारे पुराने दर्शकों को रामा यादव की तरफ से आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों के परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि मुंबई हम जाएंगे, वहां पर किसी न किसी प्रकार का फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। कई सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, वो मेरे व्हाट्सएप और मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि हम मुंबई पहुंच चुके हैं, लेकिन हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल का जो ये शब्द आता है ना, स्ट्रगलर या स्ट्रगल कर रहे हैं, ये शब्द में ही आप लोग जो है ना थोड़ा आजकल बन जाते हो। बस इसी को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस स्ट्रगलर वाली जो जिंदगी है या स्ट्रगल करने की जो बात आती है, इसी में कहीं ना कहीं आप डर जाते। क्यों? क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे लड़के होते हैं जो घर में जो है संपन्न होते हैं, उनको खाने पीने की रहने की कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे वो जो है स्ट्रगल करते हैं, रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पर उस काम पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब मैं इस बात को आपको चीज से समझाना चाहता हूँ कि जब कोई लोहे का आकार या लोहे की कोई वस्तु बनती है तो उसे पहले क्या किया जाता है? उसे पहले एक गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है, उसका आकार तभी बनता है। तो बस दोस्तों, आप अगर मुंबई आना चाहते हैं या मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अभी आप जो है एक गर्म आग में पिघल रहे हैं। इसका आकार आपकी कामयाबी के तौर पर बनकर उभरेगा। अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो आप अभी इस वीडियो को यहीं छोड़ो और जाकर किसी भी आर्टिस्ट, मैं उन आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो स्टार किड्स है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके भाई, पिताजी या उनके कोई खानदान में एक्टर पहले से रह चुका है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूं, मैं मनोज वाजपेयी की बात कर रहा हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूं, मनोज मुद्दसर की बात कर रहा हूं। इस क्रम में चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो या फिर कोई इसमें आर्ट डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, इन लोगों की बात कर रहा हूं जो यहां आए और बड़ी मेहनत किए, स्ट्रगल किए और आज वो कामयाब हुए। ऐसे लोगों का आप एक बार जरूर कहीं ना कहीं इंटरव्यू मिले तो देखिए, वो ये बताते हुए बड़े खुश होते हैं कि हमने तो वर्सोवा, चार बंगला, बैंड्रा, ओशिवरा, गोरेगांव फिल्म सिटी में अपने स्ट्रगलिंग के दिन गुजारे हैं। कई लोग बताते नजर आते हैं कि हम बिना टिकट के बस में बैठ जाते थे, बिना टिकट में यात्रा करते थे, रेल में बड़ा पाव खा के दिन गुजारते थे। तो वो लोग आज अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कामयाब है, जिन्हें आप देखते हैं उन एक्टरों को, तो वो अपने समय में वो भट्टी में जो है वो अपने गर्म हो रहे थे, एक आकार उन पे एक्टर का आकार जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो मुंबई है ना, ये आपको एक्टर बनाती है, ये आपको सताती नहीं है, यहाँ आपके आपको रोना नहीं चाहिए, यहाँ आके आपको घबराना नहीं चाहिए। यही तो जीवन जो है आपको सिखाती है, वो मतलब एक एक्टर को, देखो एक एक्टर को हमेशा ये तो नहीं होगा जो आप जिंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उसी प्रकार का रोल मिलेगा। एक्टर को हर चीज मालूम होनी चाहिए ना कि बिना टिकट भी हम चढ़ेंगे तो किस तरह से हमें चींटी से आंख मिचौली खेलनी पड़ेगी, हम अगर बड़ा पाव खा रहे हैं तो उसका स्वाद क्या होगा, हम अच्छा पकवान खा रहे हैं तो उसका क्या स्वाद होगा, कैसे लोग जो है अपनी मिडिल क्लास फैमिली में जो किस तरह से किस घर में रहते हैं, क्या अगल बगल का माहौल होता है, ये सीखने को मिलता है।
और कहीं ना कहीं जो बड़े एक्टर है ना, उन्होंने इन चीजों को सीखा है, इसी मुंबई से सीखा है, क्योंकि मुंबई में केवल एक भाषा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, तो यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। इस दिवाली के मौके पे उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ आ चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल के मायने कुछ दूसरा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, या वो लोग जो अभी किसी की सुनते हैं यहाँ की बातें और वो सोचते हैं यार वो इस तरह से अभी जी रहा है, वहां जाने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ भागना पड़ेगा, वहां भागना पड़ेगा, स्ट्रगल करके क्या मतलब है, हम तो कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, किसी को पैसे वैसे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद, मुंबई आने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जो चीजें देखने को मिलती है, जो चीज सीखने को मिलती है ना, वो आपके शॉर्टकट तरीके यानी पैसे दे के नहीं मिल पाएगी। तो कभी भी जब हाथ यहाँ पे स्ट्रगल करोगे ना, यहाँ ऑडिशन, वहाँ ऑडिशन, यहाँ जा, इनसे कुछ न कुछ आप सीखोगे जरूर। मैंने भी अपना काम पाने के लिए स्ट्रगल किया है, मुझे कई जगहों पे, कई कंपनियों में काम किया है, वो दिन आज मुझे याद है, और उस दिन को याद करके मैं आज भी बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि उस जोश को किस तरह से मैं वो जोश में जोश में मैं अशोक मेहता जी से जाके मिल लिया उनके ऑफिस में, बिना डरे कुछ सीधा उनके ऑफिस के अंदर चला गया, जो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये वो दिन याद करता हूँ कि क्या जोश था। तो यार वो दिन याद आते हैं, और उन्हीं दिन को याद करने के लिए ये अच्छे दिन भी है। तो आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल को एक अलग नजरिए से देखते हैं, अपना मनोबल कम करते हैं, तो बिल्कुल अपना मनोबल इस दिवाली तो बिल्कुल मत कम करिए। आप अपने घर में दिया तो जलाएंगे, पर अपने मन में एक भरोसे का, एक उम्मीद का दिया जरूर जलाएंगे, क्योंकि ये उम्मीद का दिया जलेगा तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें आप लोगों को कुछ समझ में आई होंगी। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आप एक दूसरे को दिवाली की बधाई दे दीजिएगा कमेंट में, और एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली के बाद भाई वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, मैं बंद नहीं करने वाला। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।